हेलो फ्रेंड्स, द फूडी स्टॉप में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू टमाटर की अचारी सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है, और पूड़ी के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हलवाई स्टाइल में बनाएंगे बिल्कुल, और बनाते हैं आलू और टमाटर की अचारी सब्जी। सब्जी बनाने के लिए ये मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, 3 आलू हैं। इसको हमने फ्रेश ही उबालना है। अगर आप उबले हुए पहले से आलू लेंगे तो सब्जी सॉफ्ट, आलू जो है वो सॉफ्ट नहीं रह जाता, वो हार्ड हो जाता है, तो आप फ्रेश ही उबालिएगा। ये मैंने 3 से 4 टमाटर, फ्रेश जो टमाटर है उसकी प्यूरी बना ली है। ये जीरा है, अचारी सब्जी बना रहे हैं तो ये आम के अचार का मसाला है। इसमें आम की ये छोटी छोटी फांके भी हैं, घर का बना हुआ अचार है। कसूरी मेथी, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, सूखा पिसा धनिया, नमक, अमचूर, और ये है साबुत लाल मिर्ची, रिफाइंड ऑयल, और ये पानी। तो शुरू करते हैं सब्जी को बनाना। सब्जी बनाने के लिए इस तरह से हम एक पैन ले लेंगे और गैस को ऑन करेंगे। इसको मीडियम में रखेंगे, मीडियम हाई फ्लेम रखेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। थोड़ा गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे हींग और जीरा। रिफाइंड ऑयल जो है गरम हो गया है, इसमें हम जीरा डाल देते हैं, हींग डाल देते हैं और इसको मिला लेते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी ये सूखा पिसा धनिया 1 चम्मच, कसूरी मेथी डालेंगे आधी हम सब्जी बनने के बाद डालेंगे। इसमें ये साबुत लाल मिर्ची डाल देंगे, 1 से 2 मिर्ची हैं। ये चटपटी सब्जी बनती है और बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हल्दी डालेंगे 1/2 से भी कम चम्मच, 1/4। और इसमें डाल देंगे ये हम 1 चम्मच जो है भरकर पूरा अचार का मसाला, और इसमें अचार की फांके भी आ जाती हैं। तो ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से इसको मसालों को पका लीजिए। और इसको पकने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर जो कि हमने पीस कर रखे हुए थे, उसको, और इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे जब तक कि इसका जो तेल है मसाले का वो अलग ना हो जाए। ये देखिए कितना बढ़िया सा इसका कलर है। अब हम इसको पकने देते हैं। इसको उबाला आना शुरू हो गया है तो अभी मैं इसको 2 मिनट के लिए ढककर मसाले को पका लेती हूँ, जब तक कि इसका जो तेल है वो किनारों से ना छूट जाए। अब हम एक बार जो है मसाला जो है चेक कर लेते हैं। मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। ये देखिए मसाला भुन गया अच्छी तरीके से। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। पानी हम इसमें 1 बड़ा गिलास भरकर मैंने ये पानी का लिया है, जो कि 250 ml है। तो इसको हम डाल देते हैं पानी को, और गैस को मीडियम आंच पे रखकर इसको ढक्कन लगाकर हम इसको 1 से 2 उबाले आने देंगे। जब तक उसमें उबाल आता है तब तक हम इन आलू को मोटा मोटा मैश कर लेते हैं। इन आलूओं को हमने काटा नहीं है और ना ही हमने इसको बिल्कुल एकदम मैश करना है, बस ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में इसको तोड़ लेना है। आपने देखा होगा भंडारे वाली सब्जी वगैरह होती है, उसमें मोटे मोटे आलू आते हैं तो बहुत अच्छे से लगते हैं। ये मैंने मोटे मोटे
कर लिए हैं, तो अब हम इसको रखते हैं। उबाल आने के बाद हम ये सारे आलू उसमें डाल देंगे। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए उबाला आ गया है और अच्छे तरीके से इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें ये सारे आलू जो हैं वो डाल देते हैं। तीन आलू से चार से पांच लोगों की सब्जी जो है वो तैयार हो जाती है। अब हम इसको दोबारा से थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, जब तक कि आलू अच्छी तरह से मसालों में लिपट ना जाए। अब हम एक बार इसको खोलकर ढक्कन को चेक कर लेते हैं। ये देखिए उबाल आ रहा है बहुत बढ़िया सा, और रसा भी इसकी जो है वो गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है, ये देखिए। ये देखिए आलू और इसकी रसा बहुत अच्छी हो गई है, मिक्स हो गए हैं आलू। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला था, तो अब हम इसमें डालेंगे नमक। स्वाद के अनुसार डालिएगा और मिक्स कर लीजिए। ये मैंने आधा चम्मच से भी कम नमक रखा है, क्योंकि अचार के मसाले में भी नमक था। ये है अमचूर पाउडर, ये आधा चम्मच है, इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें से अचार के जो मसाला हमने डाला है उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी और बढ़िया सी आ रही है। आलू एकदम तैयार हो गए हैं पककर। अब ये बची हुई कसूरी मेथी मैं ऊपर से डाल देती हूँ। कसूरी मेथी का भी एक अपना ही फ्लेवर होता है आलू की सब्जी में। तो ये देखिए एकदम बढ़िया से पककर सब्जी तैयार हो गई है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसको सर्व कर लेते हैं। आलू टमाटर की सब्जी जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें सर्व करेंगे हम बाउल में। तो इसको बाउल में निकाल लेते हैं। सब्जी का कलर देखिए आप, इतना बढ़िया आया है कि देखते ही दिल करता है कि फटाफट बस अब रोटी मिल जाए या पूरी मिले और हम इस सब्जी को खा लें। इसको मैंने बाउल में सर्व कर लिया है। ये देखिए आलू टमाटर और अचारी सब्जी कितनी बढ़िया सी बनी है। आलू और टमाटर की अचारी सब्जी एकदम बढ़िया सी चटपटी सी तैयार हो चुकी है। अब आप भी इसी तरह से इस सब्जी को बनाएं और इंजॉय करें। पूड़ी के साथ, लच्छा पराठा के साथ, चावल के साथ भी खा सकते हैं, पर ये सब्जी का स्वाद जो पूड़ी के साथ आएगा वो और किसी चीज़ के साथ नहीं आएगा। ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल में सब्जी बननी है। तो अगर आपको ये मेरी सब्जी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन झटपट से मिल जाए। थैंक यू।